जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मार शुरू हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस इसे लेकर दो भागों में बढ़ चुका है। बता दें कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक जारी नहीं हो सकी है। इस पर विवाद है। प्रभावशाली कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा के नेतृत्व में वीरशैव महासभा ने जातिगत जनगणना जारी करने का विरोध किया है। वह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी को एक राजनीतिक संदेश भेजने के लिए 24 दिसंबर को दामड़गेड़े में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अगर सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट स्वीकार करती है तो राज्य में वीरशैव समुदाय अलग थलग पड़ सकता है। आपको बता दें, राज्य में लिंगायत और वीरशैव सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाति समूह हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 10 मई को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, जिससे उससे भारी जीत हासिल करने में मदद मिली थी। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा समुदाय वकालिगा ने पहले ही सीएम को याचिका दायर कर रिपोर्ट को स्वीकार न करने का आग्रह किया है। हस्ताक्षरकर्ताओं में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कृषि मंत्री एन चेलुवराय स्वामी के अलावा कांग्रेस के कुछ और विधायक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया खेमे से जुड़े ओबीसी नेताओं का एक समूह है, जो 30 दिसंबर को पड़ोसी चित्रदुर्ग में एक जवाबी प्रदर्शन की योजना बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि चित्रदुर्ग में दावड़गेरे की तुलना में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। चूंकि सिद्धरमैया अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों यानी अहिंदा के भी समर्थक हैं, इसलिए उनका अनुमान है कि ये जाति समूह कुल मिलाकर आकार में लिंगायत से कई बड़े होंगे। विवाद की वजह क्या है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल विवाद की वजह वे अटकलें हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि राज्य में कराए गए 2015 के जाति सर्वे में लिंगायत और वकालिगा की आबादी क्रमशः 17% और 14% से घटकर 10% हो गई है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि रिपोर्ट में प्रकाशित होने वाले पहले ही अटकलों के आधार पर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। रिपोर्ट का सार्वजनिक डोमेन में रखने के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सवाल कि रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं औपचारिक रूप से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उठता है। वहीं आगे सूत्रों का कहना है कि सीएम उस अहिंदा सम्मेलन के समर्थक है जिसकी उनके समर्थक और रिपोर्ट का सार्वजनिक करने के समर्थक योजना बना रहे। माना जा रहा है कि रिपोर्ट को स्वीकार करने और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने से सीएम सिद्धरमैया की स्थिति मजबूत हो सकेगी और सत्ता पर भी पकड़ मजबूत हो सकेगी, क्योंकि सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली दो जाति समूहों की आबादी कम होने से उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक स्वयं पिछड़े समुदाय के सदस्य सिद्धरमैया इस रिपोर्ट को ओबीसी समूह के चैंपियन के रूप में अपनी छवि को आगे बढ़ाने और आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाताओं को कांग्रेस का समर्थन करने के अवसर के रूप में देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।